दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर एक गजब का स्कैम चल रहा है जिसमें काफी सारे लोग फंस चुके हैं। मैं खुद भी इसमें फंस चुका था। बेसिकली होता क्या है, इंस्टाग्राम पर जब हम रील देख रहे होते हैं इस तरह से, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है जो हमारे काम का भी होता है। यानी सबसे पहले इंस्टाग्राम क्या करता है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद इसे ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद ये कंपनियों को दे देता है हमारी डाटा को, ठीक। इससे क्या होता है, फिर जो कंपनी वाले हैं वो हमारे पसंद के हिसाब से हमें यहाँ पर एड दिखा दे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फर्जी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट का एड दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखा रहे, मुझे नहीं पता कि फर्जी है फिर नहीं है, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट हमारे इंस्टाग्राम के रील पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर रील पर आया हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हमें शॉप नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम इसे खरीद भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब हम शॉप नाउ पर क्लिक करते हैं फिर हमें कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, इसमें हर चीज़ दिखाते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पर रील देखते रहोगे, स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, सब एड होता है, ठीक है। और जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करते हो और वहाँ पर आपको बाय करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपका सारा पर्सनल डिटेल वहाँ पर मांग लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर कोई डर नहीं है। डर तब हो जाता है कि इंस्टाग्राम पर दिखाता कुछ और है और जब वहाँ पर हम कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और आ जाता है। यानी लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हम पैसा दे नहीं रहे हैं, जब सामान आ जाएगा तब हम पैसा देकर उसे खरीद लेंगे, लोग ये सोचते हैं और फिर ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट करते हैं और जब सामान हमारे पास आता है तो सामान कुछ दूसरा होता है। जैसे हमने मंगाया क्या था, एक सूर्यक, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे दिखाया, बहुत मतलब बहुत अच्छी लग रही थी वो सूर्यक मुझे, ठीक है। तो वो सूर्यक को मैंने बाय किया, उसका प्राइस था समथिंग 1200 से 1500 ऐसे कुछ था वो, ठीक है। जब मैंने उसे बाय किया, उसके बाद जब मेरे घर पे वो प्रोडक्ट आया तो मैं देखा कि जो साइज था वो इतना पतला एकदम छोटा सा था। मैं बोला जो सूर्यक मैंने ऑर्डर किया था वो इतने छोटे डिब्बे पर आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता। फिर जब मैंने इसके बारे में पता किया तब मुझे पता चला कि ये बिल्कुल फर्जी था। उसके बाद जिस वेबसाइट से मैंने उसे बाय किया था, जब उस वेबसाइट को मैंने ओपन करना चाहा तो वहाँ पर भी वो शो नहीं कर रहा। जैसे हम अगर हम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर पर जाते हैं तो वहाँ पर दिख जाता है कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था, या फिर हम वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। बट इन वेबसाइट पे आपको रिटर्न करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जिस वक्त आप बाई करोगे वहाँ पर रिफंड का भी आप ऑप्शन दिखा देता। मतलब जब आप बाई कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको रिफंड रिटर्न दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन बाई करने के बाद वो ऑप्शन हट जाता है। और इस तरीके से इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़बरदस्त स्कैम चल रहा है और काफ़ी सारे लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। मैं खुद भी फंस गया था यार, क्योंकि जो सूर्यक की मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी गजब का था और बहुत पॉपुलर भी था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वो छाया हुआ था। तो मैं सोचा कि चलो भाई इसे ऑर्डर कर लेते हैं, 1200-1500 कौन से बहुत बड़ी बात है। जब हमने बाई किया देखा कि ये तो कुछ और ही आ गया, तब हमें मुझे समझ आया कि इंस्टाग्राम पर एड चला करके लोग फर्जीवाड़े भी कर रहे, मतलब फर्जी काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इंस्टाग्राम पर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताई जाती हैं यार, एकदम सस्ते बजट में। मतलब अगर अमेजन पर कोई चीज़ हमें 1000-1500 मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 500 में ही मिल जाएगा, ऐसा वहाँ पर दिखाया जाता है प्राइस के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट वहाँ पर आपको दिखाया जाता है उस प्रोडक्ट के नाम को आप कॉपी कर लीजिए, फिर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर जाकर उसे पेस्ट कीजिए, सर्च कीजिए और वहाँ से उसे बाई कर लीजिए। इंस्टाग्राम से बाई मत करो, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि आप इंस्टाग्राम से बाई मत करो, वरना आपका ये पैसा डूब जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको सीओडी का ऑप्शन मिलता है, यानी कैश ऑन डिलीवरी का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप ऑर्डर करते हो कुछ और सामान और आपके घर आ जाता है कुछ और सामान और यहाँ पर आपका पैसा चला गया, और खोलने के बाद फिर वो रिटर्न रिफंड का ऑप्शन नहीं मिलता। आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर आपके भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आएंगे, लिंक आएंगे, जिनमें से बहुत से लिंक फर्जी हो सकते हैं, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी रिफंड या फिर रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब तक आप बाई नहीं करते तब तक आपको दिखेगा, बाई करने के बाद वो ऑप्शन हट जाता है। अरे वापस करना तो छोड़ो, रिटर्न करना छोड़ो, वो वेबसाइट ही नहीं खुलता, यानी जहां से आपने बाई किया है वो वेबसाइट ही नहीं खुलता, और अगर खुल गया तो वहां पर आपको ऑर्डर नहीं दिखाएगा जहां से उसे आप रिटर्न कर पाओगे। तो इसलिए आप अवेयर रहिए, और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी चीज देखते हो सस्ते दाम पर भी आपको दिखा रहे हैं उसे बाई मत करो, उसे पहले रिसर्च करो कि वेबसाइट जेन्युइन है या फिर नहीं है, और जहां आपको फर्जी लगता है छोड़ दो, हटाओ, और अपना वहां पर आईडी भी मत डालो, आईडी मतलब अपना जो पर्सनल डिटेल है ना वो भी वहां पर मत डालो, ठीक है। और खासकर जब भी आप
कोई ऑनलाइन सामान मंगाओ तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी को ही चूज करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बैंक डिटेल को भी वहाँ पर मांगा जाता है बहुत से वेबसाइट पर, और बैंक डिटेल फिर डालने से आप समझ ही रहे हो कि क्या हो सकता है, तो ये भी आप मत करो, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही चूज करो, लेकिन सही वेबसाइट पर देख करके, यानी अगर आपको लगता है कि सही है, जेन्युइन है, तभी आप वहाँ से बाई करो, वरना भाई अमेजन फ्लिपकार्ट बेस्ट बेटर, उसमें आपको कोई ऐसा घपला या फिर धोखा वाली बात नहीं मिलेंगी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इंस्टाग्राम पर किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है और लोग किस तरीके से इसमें फंसे जा रहे हैं, तो आप अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और देख कर ही बाय कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप किसी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आधे घंटे को भी दबा देना। फिर मैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।